हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मेरा दूसरा नेक्स्ट लेक्चर मैग्नेटिज्म में होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक चीजें सारी की सारी जान चुके हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोस्टली इसमें चार्ज के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूरी जो अपनी पहली बुक है मोटी सी, उसमें क्या है, हम सारी की सारी बातें जो जानने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे मेन फोकस है। चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज क्या है, अपना हीरो है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर हम उसको पढ़ते हैं, कभी रेस्ट में होता तो कभी मूविंग होता तो कभी एक्सेलरेशन मोशन करता है, ठीक है ना। तो चार्ज की ही एक अगली प्रॉपर्टी आती है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो सभी को मालूम होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है बिना और इसका एक पॉइंट है आगे मैंने मेंशन किया, बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण भी कभी नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चों देखो, जैसे ये है, मैं इसमें कह दूं कि इसमें चार्ज कर दो इसको, तो आप क्या करोगे, क्या होगे, सर इसमें कोई मंत्र मार दे ये चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर मंत्र मारने से चार्ज नहीं आने वाला, मंत्र मारो चार्ज, कुछ भी मारो कुछ नहीं आने वाला। आपको इसको चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, इसको आप कंडक्टर बोले तो सुचालक, तो इसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन ला के बाहर से प्रवेश करा दें या फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर ले जाए, तब ये चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर शायद मैं इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन स्टेट में है। इसका मतलब क्या होता है, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो एक दूसरे को उदासीन बनाए रहते हैं। अब जैसे हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना होता है तो क्या करेंगे, हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे ही हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें प्लस चार्ज की अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना हो, इसको शायद निगेटिव चार्ज करना हो तो हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे और इसमें डाल देंगे तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सिंपल बात है। अब आगे बात लिखी है कि भैया बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक कंडक्टर ले लूं मैं, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर सपोज दैट मार्कर ही है, तो अगर शायद आप इसमें जैसे अपन को ये अभी कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपन को पॉजिटिव चार्ज करना है। अभी इसमें क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको क्या करना है, अपन को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो क्या करेंगे, हमने इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकाल लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर कर दिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएंगे निगेटिव चार्ज की अपेक्षा, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, सपोज दैट एन ई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, वो कितना भी हो सकता है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है ई एम से शो करे, एम ई से शो करे देता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 1.6 × 9 × 10 − 31 kg। तो हाँ ये मानते हैं बात कि जो इसका मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, बट कुछ तो होता है, और हमें किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ही या तो निकालने पड़ते हैं या तो उसमें डालने पड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है 9.1 × 10−11 kg, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकला यानी कुछ ना कुछ मास बाहर आया, तो इसीलिए मैंने लिखा कि बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, मतलब इस बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश नहीं डाला जा सकता। तो जैसे इसका
आवेश संरक्षण का सिद्धांत में क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक इसकी एक और डेफिनेशन लेता हूं, छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि विलगित निकाय का आवेश, निकाय का आवेश सदैव स्थिर रहता है, स्थिर बनने तो कांस्टेंट रहता है, पुस्तक में लिखे दे रहा हूं, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये दूसरी डेफिनेशन के रूप में आप डाल सकते हो या नोट के रूप में डाल सकते हो, जैसा भी आप डालना चाहो। तो विलगित निकाय, अब जैसे ये क्या है, एक ये सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। विलगित निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये कैसा सिस्टम है, अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स आप समझते होंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी दूसरे, जो उस सिस्टम के अंदर जितनी चीजें हैं वो ही एक दूसरे से आपस में लड़ भिड़ सकती हैं, आपस में कुछ भी कर सकती हैं, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, सब एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर बाहर का कोई बंदा नहीं आ सकता, ये चाहे कुछ भी करे आपस में, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है, ये क्या करती है, विलगित निकाय को शो करती है, यानी बाहर से आपके कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो बाउंड्री के अंदर ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका अभी टोटल चार्ज कितना भैया, इसका टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज इसका आप टोटल चार्ज देखेंगे तो कितना है इसके पास टोटल चार्ज, 3 कूलम, यानी जैसे मैं लिख दूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू क्या है 3 कूलम, Q2 की वैल्यू क्या है 2 कूलम एंड Q3 की वैल्यू क्या है माइनस 2 कूलम, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 3 कूलम, ठीक है ना। तो इस सिस्टम की क्या है 3 कूलम टोटल चार्ज है। अब मैंने क्या किया, जैसे आप क्या बोलते हो, लूडो खेलते हो ना, तो लूडो वाला जो वो क्या होता बॉक्स होता है, उसमें ये इसको, ये जो सिस्टम है उसको बॉक्स ही मानिए, और ये क्या है छोटी छोटी बॉलें हैं, सपोज दैट ये बॉल है, इसका चार्ज कितना 3 कूलम है, इसका चार्ज 2 कूलम है और इसका माइनस 2 क्यू कूलम चार्ज है, ठीक है। आपस में इनको अपने उसके अंदर डाला, इसके बॉक्स के अंदर, इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे करके जैसे ऐसे फेंक देते हो, आपको वही करना है, आपने फेंका तो क्या होंगे, ये एक दूसरे से भिड़ेंगे, आपस में टकराएंगे, तो कुछ चार्ज इसका यहां भी जा सकता है, इसका यहां भी जा सकता है, किसी में आपस में चार्ज इनका चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो पहली वाली बॉल थी उसका चार्ज क्या हो गया, Q1 से मैंने जिसको शो कर दिया है वो 1 कूलम हो गया, Q2 से मैंने जिसको शो किया है उसका चार्ज हो गया माइनस 2 कूलम। तो भैया इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है, बताया ना कि ये एक सिस्टम था, सिस्टम अभी भी वही है, तो विलगित निकाय का क्या रहता है, आवेश सदैव स्थिर रहता है, तो इसका टोटल आवेश स्थिर रहेगा। सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो टोटल चार्ज कितना था पहले 3 कूलम, तो अभी भी क्या रहेगा 3 कूलम भी रहेगा, तो रख दो 3 कूलम, और Q1 की वैल्यू कितनी है 1 कूलम रख दो, Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 कूलम रख दो, और Q3 की वैल्यू निकाल लो, निकालोगे जैसे ही आप, तो ये 3 कूलम इज इक्वल टू यहां से कितना बचेगा माइनस 1 कूलम प्लस Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 कूलम। अब देखिए जैसे ही आप Q3 की वैल्यू लिख देंगे यहां पर कितना 4 कूलम, अब देखिए टोटल चार्ज अब कितना, देखिए टोटल चार्ज कितना हो रहा है, अभी भी 3 कूलम भी आ रहा, देखिए कितना था 3 कूलम था, 3 कूलम भी अभी आ रहा है, ये 4 कूलम एंड 1 कूलम दैट इज 5 कूलम एंड जो है माइनस 2 कूलम कर दिया गया, तो कितना बचा 3 कूलम, तो अभी भी निश्चित रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है आपका, आवेश संरक्षण का सिद्धांत रहता है। और आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी विलगित निकाय हो उसका आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी आप कुछ भी करो, जैसे दो जो चीजों का सिस्टम बना लिया आपने, दो मार्कर लिए, ये अभी इसका चार्ज मान लो कुछ भी था, इसका चार्ज कुछ भी था, आपस में इनको आप रगड़ देंगे तो कुछ चार्ज हो सकता है इससे इसमें चला जाए और इससे इसमें चला जाए, पर लेकिन टोटल चार्ज अभी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे मान लो ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, अभी इनका टोटल चार्ज, ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है मान लीजिए, तो अभी इसका टोटल चार्ज कितना है 0 कूलम है, इनको आपस में रगड़ा
तो मान लीजिए इससे कुछ चार्ज निकल के माइनस इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे आ गए, इस पे जैसे ही आ गए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए उतने के बराबर इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए उतने के बराबर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज अभी भी बिल्कुल निकालेगा क्या है, शून्य है, क्योंकि जितना इसमें प्लस का है उतना इसमें माइनस का है। ठीक है, इसके बाद